हाय फ्रेंड्स, शिबा इनू कॉइन्स, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे आप डिजिटल कॉइन्स भी कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। एक वक्त था जब बिटकॉइन के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन और उसकी वैल्यू भी को बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती गई तो लोगों को पता चला कि क्रिप्टो कॉइन्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शिबा इनू कॉइन्स आज से 3 साल पहले 0.00002354 था, फिर इसके 1 साल के बाद 0.000 हो गया और उसके बाद उसका भाव बढ़ता गया और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप शिबा कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आज की डेट में अगर आपने मात्र 2,000 या 3,000 के भी इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 4 से 5 लाख कॉइन हो सकते हैं और आने वाले टाइम में $1 एक कॉइन की हो सकती है। लेकिन इसकी संभावना अभी तो थोड़ी कम है, लेकिन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर उसका 1 रुपया भी बढ़ गया एक कॉइन का, तो आप 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन एक वक्त था इसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से इसकी डिमांड थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इंटरफेयर शुरू किया इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई। हाँ, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज भी किया और 30% GST लगाना स्टार्ट किया। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि वैसे तो आपको कोई भी छोटा सा बिजनेस करते हैं तो 1 लाख रुपया तो मामूली बात है बिज़नेस करने के लिए, वो भी छोटा धंधा करने के लिए, और उसके बाद भी वो धंधा चले या ना चले, लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ 2 से 5 हज़ार के बीच में इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, एक लॉटरी समझ के सोच लीजिए। ये एक ऐसी लॉटरीज है जो कभी ना कभी ज़िंदगी में लगे ही लगे, और अगर नहीं भी लगी तो 2 से 3 हज़ार कौन सी बड़ी बात है किसी भी धंधे में इन्वेस्टमेंट करना। थैंक यू सो मच।